आज मैं ये बड़ा सा थल कोस लेकर आई हूँ जो बहुत ही प्यारा डिजाइन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक गांठ लगा लेंगे, उसके बाद छह चैन करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, छः चैन करके पहले वाले चैन में से स्टिच कर देंगे। उसके बाद तीन चैन करेंगे, एक दो तीन, तीन चैन करके इसी बीच में हम इसे डबल क्रोशे बनाएंगे, एक और एक चैन वाला हमारा दो हो गया, ये तीन, ये चार, पाँच, ऐसे ही हम इसमें 14 डबल कुर्सियाँ बनाएंगे। 14 डबल कुर्सियाँ बना के आपको दिखा रहे हैं, ये हमने 14 डबल कुर्सियाँ बना लिया है। और पहले वाले चैन में अब इसे स्टिच कर लेंगे, उसके बाद फिर से तीन चैन, एक दो तीन, अब तीन चैन करके जहाँ स्टिच किए थे वहीं पर एक डबल कुर्सियाँ, उसके बाद वाले चैन में फिर से वहीं पर दो डबल कुर्सियाँ, एक और ये दो, सारे डबल कुर्सियों के ऊपर एक डबल कुर्सियों के ऊपर दो डबल कुर्सी, एक और इसी जगह को फिर से एक और डबल कुर्सी, दो, उसके बाद वाले चैन में फिर से एक डबल कुर्सी, उसके बाद फिर से उसी जगह पर एक और डबल कुर्सी, ऐसे ही पूरा लाइन बनते जाएगा। यहाँ के आपको दिखा रहे हैं, ये लाइन पूरा हो गया है। अब हम पहले वाले चैन में इसे स्टिच कर लेंगे, उसके बाद फिर से तीन चैन करेंगे, एक दो तीन, तीन चैन करके जहाँ स्टिच किए थे वहीं पे फिर से एक डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर से इसी में एक और डबल क्रोशिया। यहाँ पर हमने दो डबल क्रोशिया बना लिया। अब उसके बाद वाले चैन में एक डबल क्रोशिया, अब यहाँ पर दो बन गया, यहाँ पर एक, उसके बाद वाला में फिर से दो डबल क्रोशिया एक ही जगह पर, एक और उसी में फिर से एक और दो डबल क्रोशिया। इस लाइन में हम एक बार एक बनाएंगे, एक बार दो, इस चैन में फिर से हम एक बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले चैन में दो डबल क्रोशिया, ऐसे ही पूरा लाइन बनेगा। पूरा लाइन करके आपको दिखा रहे हैं, ये हमारा पूरा लाइन कंप्लीट हो गया है। अब हम पहले वाले चैन में इसे स्टिच कर देंगे, यहाँ पर हम सात चैन करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात चैन करके यहीं पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद एक चैन करेंगे और यहाँ पर दो चैन छोड़ेंगे, एक दो, तीसरे वाले चैन में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, उसके बाद तीन चैन, एक दो तीन, तीन चैन करके यहीं पर एक डबल क्रोशिया, उसके बाद एक चैन, उसके बाद एक दो, तीसरे चैन में एक डबल क्रोशिया, उसके बाद तीन चैन, एक दो तीन, तीन चैन करके यहीं पर एक डबल क्रोशिया, ऐसे ही हम पूरा लाइन बनाएंगे। बना के आपको दिखा रहे हैं, ये लाइन पूरा हो गया है। अब यहाँ पर एक दो तीन, तीन चैन में हम तीसरे चैन में इसे स्टिच कर देंगे, उसके बाद इसे कट कर लेंगे। यहाँ पर हम पहले गांठ लगा लेंगे, उसके बाद वहीं से भी इसे स्टिच कर देंगे, उसके बाद तीन चैन करेंगे, एक दो तीन, तीन चैन कर लिया, तीन फंदे निकालेंगे, एक दो, एक चैन वाला ये तीन हो गया, इसे एक साथ स्टिच कर देंगे, उसके बाद एक चैन, उसके बाद यहीं पर इसी में तीन फंदे निकालेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे निकाल के एक साथ इसे निकाल देंगे, इसे स्टिच कर देंगे, उसके बाद एक चैन, एक चैन करके यहीं पर फिर से तीन फंदे निकालेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे निकाले,
उसके बाद यहीं पर इसे स्टिच कर दिया बेक चेन। अब यहीं पर दूसरे वाले में ऐसे ही तीन फंदे निकालेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे निकालेंगे साथ इसे स्टिच कर देंगे, उसके बाद एक चैन, फिर से तीन फंदे निकालेंगे ऐसे ही सारे जगहों पर तीन तीन पप बनाएंगे, तीन तीन पप बनाएंगे ऐसे ही पूरा लाइन, उसके बाद आपको दिखाएंगे फिर से इसमें बनाएंगे इसमें ऐसे ही पूरा लाइन बनेगा। ये लाइन पूरा हो गया है, अब यहाँ पर हम पहले वाले चैन में इसे स्टिच कर देंगे, उसके बाद इस धागे को कट कर लेंगे। पहले हम एक गांठ लगा लेंगे, उसके बाद कहीं से भी इसे स्टिच कर देंगे यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर हम सात चैन करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात चैन करके यहीं पर हम इसे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, इसे एक चैन करेंगे, उसके बाद एक दो इस तीसरे वाले में हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया कर लेंगे, एक चैन नहीं बनाएंगे यहाँ पर हम दो चैन बनाएंगे, और एक दो तीसरे वाले में हम यहाँ पर इसे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, उसके बाद तीन चैन, एक दो तीन, तीन चैन करके यहीं पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, उसके बाद दो चैन, एक दो, दो चैन करके एक दो, दो छोड़ेंगे, दो चैन छोड़ के तीसरे वाले में एक डबल क्रोशिया, उसके बाद तीन चैन, एक दो तीन, तीन चैन करके यहीं पर एक डबल क्रोशिया, ऐसे ही पूरा लाइन बनाएंगे, बना के आपको दिखा रहे हैं। ये लाइन हमने पूरा कर लिया है, अब यहाँ से एक दो तीन तीसरे चैन में हम इसे स्टिच कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चैन बना के यहीं पर दो फंदे निकालेंगे, एक दो, दो फंदे निकाला और एक चैन, तीन हो गया, एक साथ इसे स्टिच कर देंगे, उसके बाद दो चैन, एक दो, दो चैन करके इसी में से तीन फंदे निकालेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे निकाल के एक साथ इसे स्टिच कर देंगे, उसके बाद दो चैन, एक दो, यहाँ पर फिर से तीन फंदे निकालेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे निकालेंगे एक साथ स्टिच कर लेंगे, उसके बाद दो चैन, एक दो, दो चैन करके अब यहाँ पर हम आ जाएंगे इसे छोड़ के इस तीन चैन में, यहाँ पर तीन फंदे निकालेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे निकाल के एक साथ इसे स्टिच कर देंगे, उसके बाद एक दो, दो चैन, दो चैन करके फिर से तीन फंदे निकालेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे निकाल के इसे स्टिच कर देंगे, फिर से दो चैन, एक दो, दो चैन करके यहीं पर फिर से तीन फंदे निकालेंगे, ऐसे ही पूरा लाइन बनाएंगे, फिर इसमें आ जाएंगे, ऐसे ही पूरा लाइन बनाएंगे, पूरा लाइन बना के आपको दिखा रहे हैं। ये लाइन पूरा हो गया है, यहाँ पर हम इसे स्टिच कर देंगे, उसके बाद फिर से सात चैन, एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात चैन करके यहीं पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद दो चैन, एक दो, दो चैन करके यहाँ पर अब हम एक दो दूसरे वाले में ही एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक चैन छोड़ के, उसके बाद फिर यहाँ से एक दो तीन चार, तीन ही चैन हमें बनाना है, तीन चैन बना के यहीं पर एक डबल क्रोशिया, उसके बाद दो चैन, एक दो, दो चैन करके यहाँ पर हम एक दो दूसरे वाले चैन में हम कप के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, नीचे हमने दो चैन छोड़ा था, यहाँ पर एक ही चैन छोड़ेंगे, उसके बाद एक दो तीन, तीन चैन करके इसी में एक डबल क्रोशिया, उसके बाद दो चैन, एक दो, दो चैन करके यहाँ पर इसे छोड़ देंगे दूसरे वाले पॉप पर, पॉप के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक दो तीन, तीन चैन करके यहाँ पर ऐसे एक डबल क्रोशिया, ऐसे ही पूरा लाइन बनाएंगे। ये लाइन पूरा हो गया है, अब यहाँ पर तीसरे वाले चैन में हम इसे स्टिच कर देंगे और इसे कट कर लेंगे। पहले हम एक गांठ लगा लेंगे, आप कहीं से भी स्टिच कर सकते हैं, यहाँ पर हम तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चैन बना के दो फंदे निकालेंगे, एक दो,
एक साथ इसे स्टिच कर लेंगे, उसके बाद एक चैन करेंगे, इसी में फिर से तीन फंदे निकालेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे निकालेंगे, उसके बाद एक साथ स्टिच कर लेंगे और एक चैन करेंगे, उसके बाद यहीं पर फिर से तीन फंदे निकालेंगे, एक दो तीन, उसके बाद एक साथ स्टिच कर देंगे, उसके बाद एक चैन करेंगे। इस लाइन में हम एक ही चैन बनाएंगे और पूरा लाइन बना लेंगे। अब इसमें बनाएंगे ऐसे ही, यहाँ पर तीन पफ हमने बना लिया, अब यहाँ पर तीन पफ बनाएंगे, ऐसे ही पूरा लाइन बना लेंगे जैसे इस लाइन में बनाए थे। इस लाइन में हम एक ही चैन बनाए थे इसमें, और इसमें भी एक ही चैन बनाएंगे, और इस वाइट वाले में दो चैन बनाएंगे ऐसे ही, और आगे बना के आपको दिखा रहे हैं। ये थर्ड पोस्ट कम्प्लीट हो गया है, हमने यहाँ तक आपको बताया था इस लाइन तक, वैसे ही आगे बना है। देखिए इतना बड़ा हो गया है, आप जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा बना सकते हो। ये झालर हमने नहीं बताया है, दूसरे वीडियो में बताया है, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहीं से बना लेना। यहाँ पर हम ये फ्लावर लगा देंगे सुई की मदद से।